हेलो स्टूडेंट्स जोहार हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज रांची विषय नागपुरी आज हम एलेवेंथ इलेक्टिव कोर्स कर किताब टोंगरी और पजरा गद्य पद्य संग्रह भाग एक कर पद्य भाग में संकलित कविता पथिक के रोरमन के पढ़ा जेकर कवित्री शकुंतला मिश्र हैं तो सबसे पहले हमरे जाना पथिक का के कहना पथिक मने होवेला जे पथ पर चलेला पथ मने रास्ता जे रास्ता में चलेला उके कहल जाएला पथिक तो सबसे पहले हमरे कविता के पढ़ब सौ प्रसंग व्याख्या हमरे करब पथिक कविता ए पथिक अनजान डहर से डेराव मैथ अकबकाओ और थक बकाओ मत के चल हे धाव जानल डहर में अंधार से डराव मत कांटा खूंटी से घबराओ मत जो गाय के साहस और विश्वास डेग बढ़ाते बढ़ाओ ए पथिक लगन और निष्ठा से बनाल तोर डहर तोर टपकत पसेना नी बेलाई माटी में उकर चमक इंजोत पसराई तोर पाछे आवे वाला के डहर जरूर बताई ए पथिक कांटा खूटी के छेदाते डहर बनाते आपन चिन्ह छोड़ते आगे और आगे डेग बढ़ाते डहर बनाओ मैत डराओ चलते चल चलते चल चलते चल तो तोलक कविता पथी हमरे अब एक सप्रसंग व्याख्या कर। पथिक कविता शुंतला मिश्र कर लिखल कविता है जेकि एलेवेंथ इलेक्टिव पोस्ट कर किताब टोंगरी और पजरा गद्य पद्य संग्रह कर पद्य भाग में संकलित है शकुंतला मिश्र नागपुरी भाषा कर आधुनिक साहित्यकार हैं और साहित्यकर सौ विधा में उनकर लेखनी चलेला इनकर कहनी जहाँ मन के छेला नियर इनकर कविता बड़ा भावपूर्ण होवेला और पथिक कविता यह नियर एगो भावपूर्ण और सार गर्भित कविता है पथिक कर मतलब होवेला जे पथ पर चलेला माने कि डहर में चलेला उके पथिक कहल जाएला कवित्री कहेना कि जिंदगी कर डहर में सौ के एकला चलिक और अगर कोनो काम कर शुरू चाहे और करब तो पहले तो आपने अपनेह के करे पड़ी चले पड़ी, कोनवे डहर में कहियो के पहले बनालक और पहले चल चल होबी तो डहर बनाए होबी तब नहीं उकर पाछे और मन चलने, सहेले अनजान डहर से घबराएक, डरायक नहीं चाहिए अकबकायक नहीं चाही आगे का होवी कैसे होवी इ बकायक भी नहीं चाहिए मन के साहसी बनाएक चाहिए जे मन साहसी हो ना, कर्म योगी कर्मयोगी होवेना उ मन आपन डहर आपने बनाए और दूसर मन उ मनक बनाल डहर उ मनक देखाल डहर में उ मनक पाछे चले ना। मुदा पहला धाव तो केखो डहर खे पड़ेला और चलखे पड़ेला पहला धाव के भी जानल डहर में नहीं चलेला डहर कर मतलब जिंदगी कर डहर भी होवेला इ जिंदगी शुरू से जन्म से ले के मरण तक एगो रास्ता ही है एगो डहर है जेकर में हमरे सब कोई पथी का ही। और हमरे वह जिंदगी का डहर में चलती और जिंदगी का डहर में कतना कतना कांटा खूंटी आवेला कहेक मतलब है कतना कठिनाई आवेला कतना समस्या आवेला कतना संघर्ष होवेला मुदा जे कर्मयोगी होवेला जे साहसी होवेला सोब के हटाय के सोब कर समाधान करके बेगर डरा ले बकर बगैर अपन धैर्य खोले अपन साहस और विश्वास से अपन डेग के आगे बढ़ाएला, जिंदगी में आगे बढ़ेला उ कहियो समस्या कर अंधार से नहीं डराएला, जीवन में उ सफल होवेला कहेक मतलब है जे अपन साहस और विश्वास से बेगर डरा ले बेगर थक थकबका ले पाछे हट ले जीवन कर समस्या कर सामना बड़ा धैर्य से बड़ा विश्वास से करेला जे भी कांटा खूंटी जीवन कर डहर में आवेला जे भी समस्या उकर जीवन कर डहर में आवेला सबके छेदाय के सबके हटाय के आगे बढ़ेला उ जरूर सफल होवेला उ जरूर आगे बढ़ेला और दुनिया उकर करा से ले ए पथिक ये तो समस्या के देख के ना डरा डेग के आगे और आगे बढ़ाते चल अपन मेहनत और लगन से जे भी काम शुरू करबे उ जरूर दुनिया ले मिसाल बनी तोर मेहनत कर पसीना अकारथ कभी नहीं जाई कभी माटी में नहीं बिलाई काले जे मेहनत करेला उके उकर फल जरूर मिलेला और तोर मेहनत कर इंजोत कर चमक से दुनिया चमकी और दोसर आदमी तो सराह में तोर पाछे तोर देखाल डहर में चल में कि डहर देखाए तोर पाछे आवे वाला के उ डहर देखाई से ले हे पथिक बगैर कोनो डर भय के आपन कर्म पथ पर आगे बढ़ते चल बढ़ते चल जितना भी समस्या कांटा खूंटी जिंदगी कर डहर में आवी सोब के छेदाते चल जितना कठिनाई आवी जितना समस्या आवी सोब के आपन बुद्धि आपन मेहनत और आपन साहस से उकर समाधान कर और जीवन कर पथ में आगे बढ़ते चल और आपन मेहनत कर चिन्हा हो छोड़ते चल जे दूसर मन ले मिसाल बनी लोग कहबें कि उ इतना महान काम रहे, जकर से दुनिया कर कल्याण हुए ला तोएं पाछे मुड़ के कभी नहीं देख तो के आगे बढ़े है और आगे बढ़े है बेगर डरा ले बेगर साहस के हेरा ले कर्म पथ पर तोय डहर बनाओ और डेग आगे बढ़ाते चल बढ़ाते चल ना डराओ अपन जे कर्म है उ करते जा और एक दिन देखबे दुनिया तोर पाछे चली तोर मिस्तो एगो मिसाल बन जाबे सब तोर उदाहरण देबें सब बटे तोर नाव और जस पसरी और सब कहबे कि इकर जिंदगी कतना सफल और कतना सुंदर है तो ई होलक कविता कर सप्रसंग व्याख्या तो हमारे आखिरी में इकर में ये भी कह सकिला कि प्रस्तुत कविता में कवित्री शकुंतला मिश्र जीवन पथ पर चले वाला पथिक के प्रेरणा दे हैं कि जिंदगी जिये में हो जिए भी एगो कर्म पथ है एगो डहर है जेकर में कतना कतना कठिनाई और समस्या आवेला मुदा जे कर्मयोगी होवेला साहसी होवेला मेहनती होवेला उ अपन मेहनत लगन और बुद्धि से सब समस्या का कर सामना करेला और डरा ले बेगर अकबकाले अपन काम में जुटल रहेला और इकर परिणाम होवेला कि एगो सफल आदमी बन जाएला दुनिया उकर उदाहरण देवेला और बाकी आदमी मन उकर देखाल डहर में चलेना। से हमरे के जीवन में आवे वाला समस्या से नहीं घबराएक चाहिए और अपन बुद्धि और मेहनत से उकर समाधान करके कुछ नवा काम जरूर करे चाहिए जकर से दुनिया में एगो उदाहरण बन जाओ से ले दोसर के भी एगो डहर नियर दिसी तो होलक कविता पथिक और उकर सप्रसंग व्याख्या तो आइजिले इतने धन्यवाद